नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेस लॉ में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द सीक्रेट बाय रोंडा बर्न बुक सीरीज से द सीक्रेट टू यू के बारे में। पॉजिटिव थिंकिंग और सेल्फ हेल्प बुक्स में बहुत ही अच्छी माने जाने वाली बुक है। आपके सोचने के नज़रिए को बदल देगी ये बुक। तो चलिए शुरू करते हैं द सीक्रेट टू यू। हम में से कई लोग सोचते हैं कि लाइफ बहुत अनफेयर है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को दोष देते हैं कि वो सपोर्टिव और लविंग नहीं है। फैमिली में होने वाले झगड़ों के कारण वो अपनी लाइफ से ही नफरत करने लग जाते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि दुनिया में लगभग 80% परिवार बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। तो इस वजह से लाइफ के लिए मन में कड़वाहट पल लेना क्या सही है? पॉपुलर सीरीज चिकन सूप फॉर द सोल के ऑथर जैक कैनफील्ड ने अपनी स्टोरी सबके साथ शेयर की। उनकी माँ और पिता दोनों को शराब की लत थी। जब वो छोटे थे तो उनके पिता उन पर हाथ उठाते थे। ये इंडिया में नॉर्मल है, यहाँ पर जब चाहे दो सकते हैं, बस मन होना चाहिए। पर अमेरिका में नहीं। जब जैक 6 साल के हुए तो उनके पेरेंट्स अलग हो गए थे। जैक का मानना है कि यह हर घर की कहानी है। अब आपको खुद से पूछने की ज़रूरत है कि आप इस बारे में क्या कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं? आपके पास दो चॉइस है। पहला, या तो आप अनचाहे हादसों के बारे में सोचकर उसमें ही फंसे रहे, या मनचाही चीज़ों पर फोकस करके उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। वॉट यू रेजिस्ट यू अट्रैक्ट बिकॉज यू आर पावरफुली फोकस ऑन इट विथ इमोशंस। टू चेंज एनीथिंग गो विद इन एंड इमिट अ न्यू सिग्नल विथ योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। जैक का कहना है कि अपने पास्ट में अटके रहना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। इस बात पर फोकस करने की बजाय कि आपके पेरेंट्स ने क्या किया, इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ बुरी यादों के बारे में सोचते रहेंगे तो आप उसे वापस अट्रैक्ट करने लगते हैं। अगर आप अपने बुरे वक्त के बारे में सोचते रहेंगे तो यह तय है कि वह दोबारा आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। अगर आप सच में मानते हैं कि आप अनलकी हैं तो बैड लक कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अपने पास्ट से बाहर निकले। अगर आपके साथ किसी तरह का एब्यूज हुआ था, या अगर आप अपने पेरेंट्स से नाराज हैं, या आपने बचपन से नफरत करते हैं, तो उसे पकड़ कर ना रखें। जब आप उन चीज़ों से ध्यान हटाने लगते हैं तो वो यादें आपसे दूर होने लगती हैं। आपको यह किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए करना होगा। लेट गो ऑफ डिफिकल्टीज फ्रॉम योर पास्ट कल्चर कोड्स एंड सोशल बिलीव्स। यू आर द ओनली वन हु कैन क्रिएट द लाइफ यू डिजर्व। जब आप किसी को दोष देते हैं, किसी से नफरत करते हैं, तो किसी और से ज़्यादा आप खुद को ही तकलीफ पहुँचाते हैं। आप यही सोचते रहते हैं कि आप बचपन में वो सब डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन अब तो आप बड़े हो गए, अब तो आप अपनी पसंद की लाइफ जी सकते हैं ना, तो खुद के लिए कोशिश करें। आप अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं। अपनी लाइफ की बुक के ऑथर आप हैं। आप अपनी पसंद की स्टोरी लिख सकते हैं। आपके हाथों में पेपर और पेन है, तो या तो आप किसी बुरे चैप्टर में फंसे रह सकते हैं, या पेज पलटकर एक नए चैप्टर की शुरुआत कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर बॉलीवुड की एक फिल्म बनाई थी तमाशा। एक पूरी की पूरी फिल्म इसी पर आधारित है और उसे बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। कभी भी नेगेटिव शब्दों को यूज ना करें। कभी ना कहें कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं थका हुआ हूँ, मैं बीमार हूँ, क्योंकि वो आपका सच बन जाता है। दो शब्द आई एम आपकी कल्पना से भी ज़्यादा पावरफुल है। इसे अपने फायदे के लिए यूज करें। नेगेटिव बातों की जगह कहे मैं भाग्यशाली हूँ, मैं हेल्थी हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं सक्सेसफुल हूँ। इसे पॉजिटिव अफर्मेशन कहते हैं। यह एक चुंबक की तरह काम करता है और अच्छी चीज़ों को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगता है। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। आपके टैलेंट, आपके थॉट के पावर की कोई लिमिट नहीं है। ये हमेशा से आप में थी, बस इसे रिलीज करने की देर है। अ शॉर्टकट टू मैनिफेस्टिंग योर डिजायर्स इज टू सी व्हाट यू वांट एज एब्सोल्यूट फैक्ट। शुक्रिया दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।